بسم الله الرحمن الرحيم. मैं सज्जाद नौमानी इस वक्त मुल्क के तमाम शहरियों तमाम नागरिकों से हमारे देश की एजेंसियों से मीडिया के भाइयों और बहनों से एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए आया हूँ। शायद आपको महसूस हो कि मेरी आवाज़ कमज़ोर है, मैं कई दिन से काफ़ी बीमार चल रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी ज़रूरत समझकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरी बड़ी मोहब्बत के साथ आप सब से गुजारिश है कि खुदा के लिए प्लीज़, जो हमारे देश की असल समस्याएं हैं, जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, उनकी तरफ हम सब की तवज्जो होनी चाहिए और उनके हल करने के लिए हम सब को, हम सब जो कुछ कर सकें हमको करना चाहिए। अभी हाल ही में मेरी एक दुआ जो मैंने अपने और आपके रब से मांगी थी, उस दुआ को बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। मुझे वाकई इसका दुख भी है और हैरत भी है। दुनिया का कौन सा इंसान होगा जो इस तरह की कोई हत्या को दुरुस्त समझेगा, उसको जस्टिफाई करेगा? और फिर मुझे और भी इस बात का दुख हुआ कि ऐसी हत्या करके फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नारा लगाया गया। कहाँ श्री रामचंद्र जी, जिनको तो अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, और कहाँ ये इस किस्म का कोई क्राइम? बहरहाल उस बारे में मैं अब कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो तो मामला अदालत में है और अदालत के फैसले का सबको इंतज़ार करना ही चाहिए। मुझे इस वक्त तो सिर्फ ये कहना है कि उस इशू को उठाकर, यानी देश की तवज्जो को मोड़ा जा रहा है। बड़े बड़े मसाइल सामने आते हैं देश के। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने कुछ बहुत अहम बातें कहीं। मोहब्बत, मुल्क से वतन से मोहब्बत करने वाले हर इंसान को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वाकई उनको सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और पहले पहल तो मुझे यकीन भी नहीं आया कि अब क्या ऐसा भी हो सकता है। अब उस खबर पर बहस हो, उस खबर पर को पीछे डाल देने के लिए कुछ और खबरों को ऊपर ले आया गया, कुछ और घटनाएं कर दी गईं, और फिर उसके बाद उन घटनाओं को भी पीछे कर देने के लिए दुआ को मसला बना दिया गया। ये एक ऐसा खेल है, मुझे नहीं लगता कि इससे देश को फ़ायदा पहुंचेगा। इससे यकीनी तौर पर मुल्क को नुकसान ही पहुंचता है। अब लोग अजीब अजीब किस्म की चीज़ें उठा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि सज्जाद नौमानी वही शख्स है जिसने अफ़गानिस्तान की जंग आज़ादी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी। मैं फिर कहता हूँ कि बहुत कुछ जानने के बावजूद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता ये बातें सुनकर। क्या भारत के रहने वाले ये चाहते हैं कि दुनिया की सब कौमें ग़ुलाम बनी रहें? अगर दुनिया की किसी भी कौम ने साम्राज्य ताकतों से लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दीं और आज़ादी हासिल की, तो उनको मुबारकबाद देने का सबसे ज़्यादा अधिकार भारत के नागरिकों को है। इसलिए कि मैं इस इतिहास से वाकिफ़ हूँ,
मैंने अपने घर में उस इतिहास को पढ़ा है। आप तो नहीं जानते कि मेरे वालिद कौन थे। आज़ादी की तहरीक के रहनुमाओं से उनके क्या रहा था। मैंने अपने घर में जयप्रकाश नारायण को आकर मशवरे लेते हुए देखा, विनोबा भावे जी को के पास जाते हुए अपने वालिद साहब को देखा। तो मेरी घुट्टी में ये बात पड़ी हुई है कि आज़ादी की लड़ाई असल में हमारे मुल्क से शुरू हुई थी, उसके बाद में सारी दुनिया के गुलाम देशों को आज़ादी मिली थी। तो भारत का एक लीडिंग रोल है, तो दुनिया में कहीं भी अगर आज़ादी मिलेगी तो भारत के नागरिकों को उस आज़ादी पर खुश होने का सबसे ज़्यादा हक है। लोग इसको आज याद दिला रहे हैं ट्विस्ट करके, लेकिन वो क्यों नहीं याद दिलाते कि जब भारत पहली बार न्यूक्लियर ताकत बना था और एक कामयाब तजुर्बा श्री अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में न्यूक्लियर ताकत का भारत में हुआ था, तो सज्जाद नौमानी ने एक लेटर लिखकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसकी मुबारकबाद दी थी और वो उस वक्त के अखबारात में छपी थी वो ख़बर। और वाजपेयी जी ने मुझे शुक्रिया का ख़त ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने अपना एक नुमाइंदा मेरे पास भेजा, उनका नाम भी मैं लेता हूँ, डॉक्टर त्यागी उनका नाम था। अब वो कहाँ है मैं नहीं जानता। वो आया, उन्होंने कहा कि अटल जी को बहुत खुशी हुई कि आपने इस सिलसिले में उनको मुबारकबाद का ख़त लिखा। और फिर उसके बाद डॉक्टर त्यागी के इसरार पर मैं अटल जी से मिला और बहुत खुशगवार मुलाकात रही वो, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसको लोग भूल जाते हैं कि मैंने ये भी किया था। एक गलत रुख पर ले जाना, डिस्टॉर्ट करना, मिस गाइड करना, मिस इन्फॉर्म करना, और आजकल के जर्नलिस्टों की आदत है कि वो कोई हिस्ट्री पढ़ते तो है नहीं। मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन कुछ के तो शायद ऐसी आदत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त मुल्क हमारा एक कठिन दौर से गुज़र रहा है, बहुत कठिन दौर से गुजर। इस वक्त मुल्क की कठिनाइयों में इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं, और नॉन इश्यूज़ की तरफ तवज्जो को मोड़ देना ये मुल्क के साथ दोस्ती नहीं बल्कि जाने या अनजाने में दुश्मनी है। मैंने तो सत्यपाल मलिक साहब के स्टेटमेंट के जवाब में के बारे में एक साहब ने मुझसे पूछा था, मुल्क से बाहर कोई मीडिया के लोग थे, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आता, मैं तो समझता हूँ ये किसी ऑफिसर की गलती होगी, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री की ये गलती हो, ये बात मानने के लिए मेरा ज़मीर तैयार नहीं है। एक दुआ जो एक साहब ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया निकाल कर वायरल कर दी, उस दुआ को पता नहीं किस रुख पर ले जाया गया। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि उन कातिलों के लिए मैं दुआ करूं कि खुदा उनको जन्नत में आला स्टेटस दे, जिन्होंने दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा कर दिया। पूरे रमज़ान, मैं फिर दोहराता हूँ, रमज़ान के पूरे महीने में सबसे ज़्यादा ज़ोर मैं रोज़ाना अपनी तकरीरों में जिस बात पर देता था वो ये था कि इस रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर और मुस्तकिल तौर पर इस्लाम का हुक्म है कि हम अपने आस पड़ोस के लोग, गरीब लोग जो किसी भी धर्म समाज के हों, उनकी खिदमत करें, उनको ऊपर उठाएं, बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं। पूरे रमज़ान मैंने इस पर ज़ोर दिया है
और रोज़ाना की दुआ में अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क की खुशहाली, अपने मुल्क के अंदर इंसाफ और अमन की बहाली, भाईचारे का फैलना, इसके लिए रो रो कर दुआएँ मांगी हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने मांगी हैं, उन्हीं में मैं एक हूँ। मैं कोई ख़ास आदमी तो नहीं हूँ, एक बहुत मामूली सा शहरी हूँ इस मुल्क का। लेकिन उन दुआओं को तो किसी ने नहीं सुना। मेरे दिल में इस मुल्क से जो मोहब्बत है, मैं इसमें किस किस का सर्टिफिकेट मांगूं, किस किस से कहूं कि ज़रा मुझे आप एक सनद दे दीजिए कि मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मैं किस बाप का बेटा हूं, मैं किन भाइयों का भाई हूं, क्या हमारे ख़ानदान की हिस्ट्री है, मेरी तरबियत हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी और हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी जैसे अजीम रहनुमाओं ने की थी, क्या मेरा बैकग्राउंड है, मैं अब भी इस मुल्क में क्या उनसा एनजीओ चला रहा हूँ और वो एनजीओ कितनी बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों की सेवा करने की कोशिश कर रहा है, और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं शर्मिंदा रहता हूँ कि जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी है, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कमी है। बस मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि किसी शख्सियत के बारे में कोई बात कहने से पहले थोड़ा सा ज़रा सा सोच लिया करें, ज़रा मालूमात हासिल कर लें, जल्दबाजी ना करें, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, ज़रा सा कुछ थोड़ी सी कोशिश कर लें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी असल विचारधारा क्या है। काश कि मुझे खुद सामने आकर ये बात न कहनी पड़ती, मगर मुझे अपने मुल्क के ज़मीर से, इस मुल्क की मेजॉरिटी से, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बहुत अच्छी उम्मीद है। आम इंसान खुले दिल का है, मैं उसी से मुखातिब हूँ, अपने देश की सरकार से भी मुखातिब हूँ, एजेंसियों से भी मुखातिब हूँ, मीडिया के लोगों से, और सब में ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने जब सही बात आ जाती है तो वो प्रोपेगेंडे के असर से अपने आप को निकाल लेते हैं। बस यही मुझे आपसे कहना था, आपने चंद मिनट अपने लगाकर मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।